नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रिकमेंडेड वीडियो है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि पैन कार्ड पर जो सिग्नेचर है वो कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 3 डेज के अंदर आप कैसे पैन कार्ड को ऑनलाइन कर सकते हैं और उसको पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो बिल्कुल रियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी किसी लोगों को दोस्तों लेट हो रहा है इस समय, क्योंकि बैंक्स ने पैन कार्ड की डिमांड की हुई है। तो बहुत सारे लोग जो है NSDL और UTI पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ लोगों को लेट हो रहा है, किसी लोगों को पहले आ रहा है, और इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। और सवाल ये है कि दोस्तों, जो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किया हुआ है कि सिग्नेचर कैसे आएगा पैन कार्ड पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर, डायरेक्ट एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए सर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर, इसमें सिग्नेचर नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे इतने सारे लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर के लिए कमेंट्स यहाँ पे किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम। आपने यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स किए, तो उन सभी का आज मैं जवाब देने वाला हूँ। देखिए, एक हमारे व्यूवर्स ने यहाँ पे देखिए इन्होंने कमेंट्स किया हुआ है कि इस पैन कार्ड में सिग्नेचर कहाँ होगा भाई, पागल बना रहे हो हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, मुझे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पैन कार्ड EKYC के माध्यम से आप अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मैंने स्कैन किया हुआ है पैन कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी इमेज यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैन कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे नाम है। ठीक है, इनका नाम है, और यहाँ पे इनके पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जैसे ATM कार्ड के पीछे नाम लिखने के लिए अलग से आता है ये पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये राइट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, पैन कार्ड बाय डाक जब आपके घर पर आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप इस पर बिल्कुल बहुत ही आसानी से, चाहे आप मार्कर से लिख लीजिए, चाहे आप बॉल पेन से लिख लीजिए। ठीक है, और जो आपका नया पैन कार्ड है, तो यहाँ पर QR कोड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भारत सरकार और आयकर विभाग इस तरह से यहाँ पर लिख करके आ रहा है, यहाँ पर फोटो आ रहा है। ठीक है, तो सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पैन एप्लीकेशन डिजिटली साइंड। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कार्ड नॉट वैलिड अनलेस फिजिकल साइन। तो आपका जो कार्ड है ये जब तक कि आप फिजिकली इस पर साइन नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर जब तक फिजिकली साइन नहीं करते तब तक ये कार्ड मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर फिजिकली इसको साइन करना होगा। ठीक है, आप भूल जाइए कि वो आपका जो पहले की तरह जो स्कैन आ रहा था सिग्नेचर। ठीक है, तो EKYC के माध्यम से जो भी अब आ रहा है तो इसी तरह से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।